उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। जानकारी के अनुसार जिले के मारवाड़ी हॉस्पिटल के डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही के कारण एक बड़ा हादसा हो गया, जिसकी वजह से कई लोगों की आंखों की रोशनी ही हमेशा के लिए चली गई। बताया जा रहा है कि इसी अस्पताल में 6 बुजुर्गों का गलत मोतियाबिंद ऑपरेशन कर दिया गया। कहीं ना कहीं डॉक्टरों की लापरवाही से कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। वहीं बताया जा रहा है कि इसी माह 12 जून को इन बुजुर्गों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया था। जहां पहले से ही बुजुर्ग परेशान थे, वहीं बची कुची जीवन की आशा भी डॉक्टरों ने ही छीन ली। अब इन बुजुर्गों का जीवन नरकीय हो गया है। वहीं इन बुजुर्गों के परिजनों ने मारवाड़ी अस्पताल पर जमकर हंगामा किया और नारेबाजी भी की। इसके बावजूद सीएमओ वाराणसी अब तक इस गंभीर मामले को लेकर चुप हैं। जानकारी के अनुसार बिना मानकों को पूरा किए ही इस अस्पताल को संचालित किया जा रहा था। हालांकि अभी तक आरोपी डॉक्टरों पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। कहीं न कहीं इसमें स्वास्थ्य विभाग की भी मिलीभगत हो सकती है। उनमें जो अभी उनकी शिकायत आई कि उनकी जो रिकवरी लाइट की जो रोशनी की जो मिलना चाहिए उसमें दिक्कत हो रही है, नहीं मिल रही पूरी तरीके से। तो संज्ञान में आते ही कल मैं और ADM सिटी और हमारे दो आई सर्जन जो है साथ साथ हम लोग जाकर के परीक्षण किए। एक मरीज उसमें पूर्णतया ठीक था, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, सामान्य की तरह जैसे पोस्ट ऑपरेटिव होता है। और बाकी 5 मरीजों में रोशनी थी, लेकिन पूर्णतया जो है रोशनी जितनी अच्छी रिकवरी होनी चाहिए उतना नहीं था। तो उसके लिए हम लोगों ने जब पूछताछ किया उनके द्वारा बताया गया कि इसमें आई में संक्रमण हुआ है, पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन हुआ है। स्पेशल डेस्क जनमत न्यूज।